फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लेक्चर। आज का ये वीडियो लेसन लिंकिंग वर्ब्स पर है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इंग्लिश ग्रामर का। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं वर्ब्स पर, स्टेटिव एंड डायनेमिक वर्ब्स, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स, रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स। तो आज हम बात करेंगे लिंकिंग वर्ब्स की। देखिए, जो वर्ब्स हैं बहुत ही ज्यादा जरूरी है इनके रूल्स को समझना किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। एंड वन मोर थिंग, अगर अभी तक आपने हमारे हिंदखोज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से जितने भी हमारे न्यू वीडियोस अपलोड होते रहते हैं उनके आपको इंस्टेंट अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। देखिए, लिंकिंग वर्ब्स, इन्हें हम हिंदी में बोलते हैं जोड़ने वाली क्रियाएं। लिंकिंग वर्ब्स को हम कॉपुलर वर्ब्स भी बोलते हैं। कॉपुलर वर्ब्स और लिंकिंग वर्ब्स दोनों सेम है। लिंकिंग, लिंक, नेम से ही पता चल रहा है, लिंक, कनेक्ट, लिंक करना, कनेक्ट करना किसे किससे, ये अभी आपको डेफिनेशन से पता चल जाएगा। देखिए क्या है ये वर्ब, इट कनेक्ट्स द सब्जेक्ट टू इट्स प्रेडिकेट। लिंकिंग वर्ब एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट को उसके प्रेडिकेट से कनेक्ट करती है, जोड़ती है। प्रेडिकेट, प्रेडिकेट क्या है एक सेंटेंस में? प्रेडिकेट एक पार्ट है सेंटेंस का, उस पार्ट है उस सेंटेंस का, या फिर एक क्लॉज है जो हमें यह बताता है कि सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, उसकी क्या अवस्था है। एग्जाम्पल देखिए आप, ही इज अ कॉमेडियन, ही इज अ कॉमेडियन। अभी सेंटेंस में आपको पता है कि ही सब्जेक्ट है, और बाकी का जो ये सारा पार्ट है सेंटेंस का, एक क्लॉज है, ये है प्रेडिकेट। अब इस प्रेडिकेट ने ही हमें बताया है ही के बारे में कि ही कौन है, क्या है ही? ही इज अ कॉमेडियन, ही इज अ कॉमेडियन। इस पार्ट ने हमें ही के बारे में बताया। अब देखिए, इस प्रेडिकेट वाले पार्ट में एक वर्ब है इज। ये क्या है? ये एक लिंकिंग वर्ब है। क्यों है ये मैं अभी आपको बताऊंगी। ये एक वर्ब है, लिंकिंग वर्ब, कॉमेडियन, ये है कॉम्प्लीमेंट। तो ये सारा पार्ट जो है प्रेडिकेट है। अभी आप आगे देखिए, इट डिस्क्राइब्स अ स्टेट ऑफ बीइंग एंड अ चेंज इन द स्टेट ऑफ अ सब्जेक्ट। लिंकिंग वर्ब एक सब्जेक्ट की स्टेट ऑफ बीइंग को बताती है, उसकी अवस्था, उसकी कंडीशन को बताती है। एक काम तो ये है लिंकिंग वर्ब का, और दूसरा, एक सब्जेक्ट के स्टेट में अगर चेंज हो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर चेंज आए, तो वो भी काम होता है लिंकिंग वर्ब का हमें बताना। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, ही इज अ कॉमेडियन, ही इज अ कॉमेडियन। देखिए, मैंने आपको बताया कि स्टेट ऑफ बीइंग को बताती है, सब्जेक्ट की अवस्था को बताती है। कोई एक्शन वर्ब नहीं है लिंकिंग वर्ब्स। एक्शन वर्ब्स क्या हैं? जिन्हें करने में हमारे हम फिजिकली इन्वॉल्व रहते हैं, हमारे हाथ पैरों की मूवमेंट होती है। तो कोई भी एक्शन वर्ब लिंकिंग वर्ब नहीं है, बल्कि ये स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब है, किसी अवस्था को बताती है। इस एग्जाम्पल से देखिए, ही इज अ कॉमेडियन, वो कॉमेडियन है। यहाँ पर अवस्था की बात हो रही है, सब्जेक्ट ही है, ही के किसी भी काम को करने की बात नहीं हो रही है, लेकिन उसकी अवस्था की बात हो रही है कि ही क्या है, वो है कॉमेडियन। अब देखिए, यहां पर एक वर्ब है इज। इस वर्ब ने सब्जेक्ट को बाकी के पार्ट से कनेक्ट किया, ये है लिंकिंग वर्ब। इज लिंकिंग वर्ब है। अगर मैं इस लिंकिंग वर्ब को हटा दूं तो बाकी का जो पार्ट बचता है सेंटेंस का, वो ये है ही अ कॉमेडियन। कोई भी ये मीनिंगलेस सेंटेंस है, कोई भी मतलब नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि मुझे यहाँ पर एक ऐसी वर्ड, एक ऐसा वर्ड, एक ऐसी वर्ब लगानी होगी जो एक सब्जेक्ट को बाकी के पार्ट से कनेक्ट करे। मैं कोई भी यहाँ पर वर्ब की फॉर्म लगा सकती हूँ, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, एक तो उसका काम है स्टेट ऑफ बीइंग, अवस्था को बताना, और दूसरा काम है सब्जेक्ट के स्टेट में अगर चेंज हो तो भी बताना। ये अभी आपको आगे एग्जाम्पल्स के थ्रू अच्छी तरह से पता चल जाएगा। अब देखिए, सबसे पहली और इम्पोर्टेंट लिंकिंग वर्ब है बी। बी लिंकिंग वर्ब है। इसकी जो फॉर्म्स हैं आगे, वो भी लिंकिंग वर्ब्स ही हैं। इनकी फॉर्म्स की बात करें, अगर हम प्रेजेंट टेंस, जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म, कौन सी है? बी इज, एम, आर। चार फॉर्म्स हैं प्रेजेंट टेंस की बी की। पास्ट टेंस की अगर हम बात करें, जिसे हम सेकेंड फॉर्म भी बोलते हैं, वॉज एंड वर, ये पास्ट टेंस की फॉर्म्स हैं। थर्ड फॉर्म, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं बी की, वो होगी बीइंग, बीइंग। और
प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, जिसे हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं, तो बी प्लस आईएनजी बी, ये सभी बी की फॉर्म्स हैं, लिंकिंग वर्ब्स हैं। इनके अलावा, बी के अलावा कुछ और वर्ब्स भी हैं जो लिंकिंग वर्ब्स की कैटेगरी में आती हैं, लेकिन अभी हम उनके बारे में यहाँ पर बात नहीं करेंगे, उनके बारे में हम बात करेंगे लिंकिंग वर्ब्स पार्ट टू में। अभी हम इस वीडियो लेक्चर में बी की जितनी भी फॉर्म्स हैं जो लिंकिंग वर्ब्स हैं उनके कुछ एग्जांपल सेंटेंसेस देखेंगे। अब देखिए, थ्री सेंटेंसेस आपके सामने हैं। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, ही वाज अ डांसर। अब देखिए, लिंकिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट को प्रेडिकेट में दिए गए नाउन से, प्रोनाउन से या फिर किसी एडजेक्टिव से कनेक्ट करती है। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, ही वाज अ डांसर। वाज लिंकिंग वर्ब है, बी की फॉर्म है, ये पास्ट टेंस की फॉर्म। He was a dancer, वो dancer था, past tense की बात हो रही है। अब देखिए, इस linking verb was ने connect किया he को इस dancer word से, जो कि एक noun है, dancer noun है, और was क्या है, ये है linking verb। Next sentence, this book is yours, यह book तुम्हारी है। अब यहाँ पर present tense की बात हो रही है, be की present tense की form है is। तो इस लिंकिंग वर्ब ने कनेक्ट किया इस दिस बुक सब्जेक्ट को योर्स वर्ड से, जो कि एक प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? पजेसिव प्रोनाउन। ये मैंने आपको प्रोनाउन के वीडियो लेक्चर में बताया था, योर्स है पजेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट सेंटेंस, माय मॉम इज प्राउड ऑफ माय अचीवमेंट्स। मेरी मॉम को प्राउड है मेरी अचीवमेंट्स पर। प्रेजेंट टेंस, क्योंकि इज लगा है। इस लिंकिंग वर्ब ने कनेक्ट किया माय मॉम सब्जेक्ट को इस वर्ड से। प्राउड इज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है। तो यहां पर इस लिंकिंग वर्ब ने कनेक्ट किया सब्जेक्ट को एडजेक्टिव से। यहां पर इस लिंकिंग वर्ब ने कनेक्ट किया सब्जेक्ट को एक प्रोनाउन से, पजेसिव प्रोनाउन से। और यहां पर वॉज इस लिंकिंग वर्ब ने कनेक्ट किया इस सब्जेक्ट को एक नाउन से। ये बात हुई स्टेट ऑफ बींग्स की, कि लिंकिंग वर्ब हमेशा स्टेट ऑफ बींग को बताती हैं, कि किसी अवस्था को, सब्जेक्ट की किसी स्थिति को बताती हैं। एक और बात भी है कि लिंकिंग वर्ब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होने की अवस्था को भी बताती है। देखिए कैसे, फसे आई एम बींग लेजी। अब देखिए, बी प्लस आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है बी की, बींग लिंकिंग वर्ब है। क्यों? अब देखिए, यहां पर भी अवस्था की ही बात हो रही है, चेंज होने की बात हो रही है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में। आई एम बींग लेजी, मैं लेजी हो रही हूं। मैं लेजी हूं नहीं, मैं लेजी अब हो रही हूं। तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हुआ, आई एम बींग लेजी। तो बींग है लिंकिंग वर्ब। अब देखिए, ये थी बी की फॉर्म्स वाली लिंकिंग वर्ब्स। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं दूसरी वर्ब्स डिस्कस करूंगी, जो भी लिंकिंग वर्ब्स की कैटेगरी में ही आती हैं। लेकिन उसके लिए आपको देखना होगा लिंकिंग वर्ब पार्ट टू, दैट विल बी कमिंग सून। तो देखिए, अगर आपको आज का ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।